हरीश चौधरी ने ये कहा था कि जून जुलाई महीना इनके अलावा दूसरा भी कोई नाम लोगे क्या आप? पहले ऐसा है कि इनका कद मेरे बराबर नहीं राजस्थान का, ये बायतूर बाड़मेर के नेता है, ठीक है। पॉलिटिकल पापा वाला कहा था, मैंने पूछा क्या उनको, मैंने कहा ना पॉलिटिकल पापा, उसमें सवाल पूछा उनको कि उन्होंने पॉलिटिकल पापा का पूछा, जवाब तो दे पॉलिटिकल पापा, मैंने बोला। और जो शिकायतें पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार की जो वसूली उन्होंने की थी, पंजाब कांग्रेस जो शिकायतें करी, ये बात जरूर है कि उन्होंने मेरी गाड़ी पत्थर फेंकवाया था, वो हिसाब अभी मेरा बाकी है। तो रिज्यू करना चाहता हूँ, अगर उनमें तो मैं तो पार्टी बनाई अलग से, उनके पास तो पैसा भी खूब है, पंजाब से लाए हैं और ना, तो फिर हनुमान बेनीवाल गाड़ी नहीं चलाता, चलवाता गाड़ी दूसरों। हमारे उम्मीदवार राम जी का जन्मदिन का कार्यक्रम था, आशीर्वाद समारोह रखा गया था और इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। कल तक मेरे कार्यक्रम दूसरे थे, आज मेरी इच्छा थी कि भाई तुम हजारों हजार की संख्या में आशीर्वाद देना, भाई तुझे मेरा पुराना लगाव है, कोई नई बात नहीं। तो आज मैंने प्रोग्राम बनाया और इनको जन्मदिन की बधाई देना है और बायतू बाड़मेर के हालचाल जानने, और अभी जो रैली ऐतिहासिक दौरी में नगंद रोई कलेक्टिव थैंक्स बोलने भी आया हूँ, और आगे के लिए भी इनको आह्वान किया है कि मजबूती से हमें रहना है और बाड़मेर की सातों सीटें आरएलपी कैसे जीते वो मंत्र भी इनको देते अभी देखे जाऊँगा मैं जाते समय। बजरी का मुद्दा अभी भी आप देखिए, बजरी का मुद्दा काफ़ी हद तक हमने ड्रोन सर्वे कराए जगह जगह, 8-9 जगह, और बीकानेर के अंदर आपने देखा होगा हमारे लोग लड़ रहे हैं, और कल काफ़ी वहाँ जो रॉयल्टी का ठेका है वहाँ के मंत्री और कांग्रेसी नेताओं के पास है, उनसे आरएलपी सड़क पर लड़ रही है। बीजेपी आपको राजस्थान में कहीं भी लड़ती हुई दिख रही है, हाँ बीजेपी दिख रही है 7-स्टार होटलों में बजरी माफिया के साथ, सत्ता लाने की तैयारी में मोदी जी को गली गली गाँव गाँव घुमा रहे हैं, सारा दिल्ली का जो सिस्टम है आ गया, और इस बार बीजेपी खोप में है राजस्थान के अंदर। बजरी माफिया का तो हम इलाज कर देंगे, अभी विधानसभा चलेगी तो कल विधानसभा में मामला उठेगा, और ये बजरी के ठेके निरस्त करा के हम चाहते हैं कि छोटी लीज छोटी माइंस किसानों को मिले, खेतों के अंदर मिले, और नदी में भी छोटी माइंस से किसानों को मिले, ये हमारा मेन एजेंडा है। और बजरी माफिया जो गुंडागर्दी की है उसका इलाज भी आपने देखा, और टोंक में जिस तरह शंकर मीणा की हत्या की, मैं 10 घंटे वहाँ बैठा रहा, उसको न्याय दिलाकर है, 1 दर्जन ज़्यादा हत्यारे गिरफ्त में, पुलिस के कुछ लोग भी इन्वॉल्व है, उनका भी इलाज वहाँ पर किया था। बजरी माफिया पर शिकंजा सरकार को कसना पड़ेगा। 18 को हमारी टोंक में रैली है, टोंक रैली के बाद हो सकता है विधानसभा घेराव यानी कार्यक्रम भी 18 तारीख को हमारा बन सकता है। बजरी माफिया सहित जितना भी माफिया राजस्थान का, इस माफिया राज को खत्म करने के लिए आरएलपी पूरी तरीके से कटिबद्ध है। हनुमान जी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में समझौता हुआ, कांग्रेस नेता का कहना है कि इस बार हम रिपीट कर रहे हैं। हाँ रिपीट करेंगे ना, वो हार रिपीट करेंगे, जैसे 13 के अंदर 8 में जीते थे और 13 में जब मुफ्त दवाई 8 में 12 में बांटी तो 13 में 21 पाए, वो रिपीट कर लेंगे सचिन, एक राज करने के बाद दोबारा रिपीट करते हैं तो 21 मुझे नहीं लगता कांग्रेस 21 भी आ पाएगी, मुझे नहीं लगता आज की स्थिति के अंदर जितना भ्रष्टाचार बे आज जिस तरह 18 लाख रिश्वत के अंदर इनका पूर्व को चेयरमैन पकड़ा गया गोपाल वहाँ पे जयपुर के अंदर, वो आरपीएससी के आरएस के इंटरव्यू ग्रेड सिलेक्शन के पैसे ले रहा था, पूरी अखंड आरपीएससी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी है। मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि संवैधानिक है, अरे चीफ मिनिस्टर सरकार के आगे कोई संविधान नहीं होता। हाँ लोकसेवा आयोग की बात करें तो उसमें सीएम कार्रवाई नहीं कर सकता, अपने यहाँ तो कार्रवाई के लिए एक बिल लेके आ जाओ, तुरंत कार्रवाई करो। मैं कह रहा हूँ संजय सोत्रे को गिरफ्तार करें, ईडी गिरफ्तार करें, बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी क्या करे, खाली ईडी के नाम से डरा रही है, काम तो नहीं कर रही है ना। आप देखिए कितने घोटाले राजस्थान में हुए वसुंधरा के समय, गहलोत के समय, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जवान पिस रहा है, भ्रष्टाचार आपका अपराध जिस तरह बढ़ा राजस्थान के अंदर, ये इनकाउंटर की जो घटनाएं हो रही है, फेक इनकाउंटर राजस्थान में चालू हो गए, कहीं न कहीं ये आपका कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठा है, ये भरोसा लोग थोड़ा बहुत अगर करें तो आरपी पार्टी पे भरोसा करें, कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी और बीजेपी को भी हम सत्ता मारने से रोक देंगे राजस्थान। सचिन पायलट वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए एक मोर्चा खोल रहे थे और कल विधानसभा में दोनों की एक साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ऐसे चलता है, पायलट साहब ये कहते थे कि मैं तो सीएम बनूंगा, बन कहाँ पाए, हमारे को और खराब किया, मैंने 2 बार सपोर्ट किया था उनको, 18 में 3 विधायकों को सपोर्ट किया, फिर जब सरकार गिर रही थी तो मैं 72+3 बीजेपी के साथ था, बोला आज बना अभी बना, फिर कहा घंटे भर में बना, आधे घंटे में 15 भी आदेश आया, अभी तक तो आदेश आया नहीं। मुझे तो लगता है कि ये अभी कांग्रेस के अंदर जो हुआ है उससे ये संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस भी इनसे थक चुकी है, क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है इनके अंदर रह के, बदनामी तो कांग्रेस पार्टी भी इनको नहीं गांटेगी, अगर कांग्रेस गांटती तो कहीं ना कहीं इसके कारण इनका प्रदेश अध्यक्ष बनता या खुद आते या कुछ करते, इनको दिल्ली में बिठा देंगे, बना देंगे, कोई पद दे देंगे, कौन पूछता दिल्ली के पद को, यहाँ से इनको निकाल दिया और निकाल देंगे। अगर ये नई पार्टी बना के लड़ते और आरएलपी से गठबंधन करते
तो निश्चित रूप से सचिन पायलट का भविष्य उज्ज्वल था। आज की तारीख में तो गुर्जर समाज भी इनको धीरे धीरे इनसे खिसक जाएगा। गुर्जर समाज तो वैसे भी नहीं मानते थे, गुर्जरों में इनका क्रेज था और जवानों में इनका क्रेज था थोड़ा बहुत। जवान तो आरएलपी के साथ जुड़ गया, गुर्जर भी धीरे धीरे पायलट का साथ छोड़ के और दूसरे नेता का दामन थामे। हनुमान जी सबसे बड़ी जो हरीश चौधरी है उन्होंने कहा है कि हनुमान जी प्रायोजित आंदोलन करते हैं, वो तो पुरानी बात हो गई यार। अब उसके बाद पता नहीं मैंने कितना क्या कह दिया, वही लेके बैठे अभी तक आप। और बताओ कोई नई बात? पॉलिटिकल पापा वाला कहा था, मैंने पूछा क्या उनको, मैंने कहा ना पॉलिटिकल पापा, उसमें सवाल पूछा उनको कि उन्होंने पॉलिटिकल पापा का पूछा, जवाब तो दें पॉलिटिकल पापा। मैंने बोला उन्होंने ये कहा था, आपने एक बयान दिया था कि मेरी हनुमान बेनीवाल से हरीश चौधरी की मुलाकात होती, उन्होंने कहा मैं कभी आज तक मिला भी नहीं। वो तो ये भी कह देंगे कि आज मैं तो हनुमान जी को जानता ही नहीं, अभी मैं कह दूँ मैं गहलोत को नहीं जानता या पायलट है वो सुंदर को नहीं जानता, ऐसे कहते होते जानते तो हैं। वो डरे हुए हैं और मंत्री पद जाने के बाद और जो शिकायतें पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार की जो वसूली उन्होंने की थी, पंजाब कांग्रेस जो शिकायतें करी ऊपर भी उनका मामला गड़बड़ हो गया और अब वो परेशान होकर मुझे लग रहा है बाई तू आगे गाँव गाँव घूमे, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ तो राजस्थान बदलने की बात करते थे, कहाँ बाई तू के अंदर आके गली गली घूमने लगे, तो कमजोर है। परेशानी के अंदर वो चाहे जैसे बयान दे देते हैं, उनको मैं बहुत लंबे समय जानता हूँ कितनी मजा। हाँ ये बात जरूर है कि उन्होंने मेरी गाड़ी पत्थर फेंकवाया था, वो हिसाब अभी मेरा बाकी है। आरएलपी किसे गठबंधन कर रही है 2023? हम क्यों करें किसी से गठबंधन? हमने तो एकाध शोषित पीड़ित तबका या कोई नई पार्टियां जो भी है या हमारे विचारधारा की पार्टियां अगर वो गठबंधन चाहेगी तो करेंगे। हम तो 200 सीटों में लड़ेंगे और गठबंधन होता है तो हम ट्राइबल के लिए कुछ हमारे दूसरे तो उनके लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन 150 से ज़्यादा सीटों की तैयारी राज्य लोकतांत्रिक पार्टी ने कर ली और आवश्यकता पड़ी जबरदस्ती गठबंधन करना कोई जरूरी नहीं है। 200 सीटों पर आरएलपी लड़के ये जो एक इतिहास बदलने की बात है देश में कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी दो ही पार्टियां हैं, ये आरएलपी इस बात ये बदल देगी कि राजस्थान में आरएलपी तीसरा मोर्चा है, तीसरा विकल्प है विधानसभा की संख्या के हिसाब से, संघर्ष के हिसाब से और लोकसभा में भी राजस्थान की कोई लड़ाई लड़ रहा है, आरएलपी लड़ रही है। 24 मोदी के जयकारे लगाते हैं, एक किसान की जय जयकार करता है और विधानसभा में 3 विधायक आरएलपी के माफिया के खिलाफ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं आपको नजर आते हैं। आरपीएससी और पेपर लीक के मामले में सस्पेंड भी होते हैं, वो सड़क पे कोई लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद लड़ रहा है, आरएलपी की टीम राजस्थान का नौजवान आरएलपी विश्वास करके लड़ रहा है और ये जो संख्या आ रही है आप ही देखिए, इंतजार देखिए कि ये कार्यक्रम 3 बजे समाप्त होने वाला था और मैंने 2 बजे इनको कहा कि मैं आ जाऊँ क्या, इन्होंने कहा आ जाओ साहब कोई दिक्कत नहीं 8 बजे तक बैठे रहेंगे रात। ये इनका जो प्रेम है ये नेताओं के पास किसी के पास नहीं मिलेगा। मोदी भी सभा करेगा तो बसें भेजेंगे, कोई उसमें पनीर पकोड़े 10 तरह का आइटम, लोग 50 कुर्सियां लगा के और उसको इधर करके और वो नाटकबाजी जो सिस्टम है यहाँ बिना कुर्सियों के जो कार्यक्रम होते हैं और अपने आप अपने साधनों से कोई लोग अगर आते हैं तो आरएलपी की रैलियों के अंदर आते हैं, आप देख रहे हो। आखिरी सवाल है, कप प्लेट और जूतों का जिक्र हर सभा में करते हैं, घने लोग उठा रहे हैं भाई, घने लोग उठा रहे हैं कप प्लेट जूते उठा के सामने और हो जाते हैं, कह रहे हमने कब उठाए ये और कह देते हैं भाई, चोरी छीना चोरी कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो ऐसे लोग हैं 2013 में उन तमाम किसान के बेटों को जो किसान के बेटों के नाम से वोट लेके जाते हैं, समाज के नाम से वोट लेके जाते हैं, उनको घर बिठा देंगे, हरा देंगे और हारने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। हरीश जी ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल जी ओबीसी आरक्षण को लेकर के, मैंने ही तो उठाया सबसे पहले मामला, ये इन्होंने तब उठाया था, मैं तो 2000 जब ये मामला हुआ होते ही सबसे पहले मैंने ही उठाया था भाई। इनको तो याद आया था 3 साल बाद जब कांग्रेस चिट्ठियां लिख चुकी थी, जो बीजेपी ने किया वो गलती 4 बार कांग्रेस ने करी, मैंने तो मामला उठाया सबसे पहले, मैंने मामला इन्होंने 100 गहलोत से बात करके आधा घंटे का धरना दे दिया था, फोटो खिंचा रही थी और सीएम हाउस चले गए, डोटासरा जी साथ ले लिया और ये काम किया और उसमें इनके अलावा तो दूसरे लोगों का और बड़ा साथ था भाई, आधे घंटे का वो तो प्रायोजित कार्यक्रम होता है। आप ये बताओ क्या सरकार का कोई मंत्री, सरकार कोई विधायक सरकार के खिलाफ बैठता है कि धरने पर? अगर सरकार के खिलाफ धरने में बैठता है तो उसको पार्टी में नहीं रहना चाहिए, छोड़ दो पार्टी। मैं तो रिज्यू करना चाहता हूँ, अगर उनमें दमे तो पार्टी बनाए अलग से, अब उनके पास तो पैसा भी खूब है, पंजाब से लाए हैं और कई जगहों से लाए हैं तो पैसा भी है, पार्टी बनाए और पार्टी बना के वो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, कौन मना कर रहा हूँ उनको? मैं तो पार्टी बनाई भाई, पार्टी बना के लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी, हर जगह मैंने किसी की जिप्सी ड्राइव थोड़ी की थी, उनका तो एक फोटो आया था जिसमें मानवेंद्र की गाड़ी चला रहा हूँ, देखा नहीं क्या आपने वो फोटो? देखा था ना, तो फिर हनुमान बेनीवाल गाड़ी नहीं चला था, चलवाता गाड़ी दूसरों। हनुमान जी लास्ट सवाल है, हरीश चौधरी ने ये कहा था कि जून जुलाई महीना इनके अलावा दूसरा भी कोई नाम लोगे क्या आप? पहला ऐसा है कि इनका कद मेरे बराबर नहीं राजस्थान का,
ये बायतूर बाड़मेर के नेता है, ठीक है। मैं राजस्थान के, मेरी पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी बना के मैंने इतिहास बदला, 3 विधायक मेरे नाम से बने और 50 जगह वोट भी मिले। सीटों पर इस बार बता दिया ना आपसे, 150 से 200 पूरा क्लियर कर दिया ना, स्टैंड हमारा वही है। गठबंधन अगर करेंगे तो समान विचारधारा के दलों के साथ हम गठबंधन करेंगे, और नहीं होता है तो 200 जगह हमारे जवान लड़ेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम। थैंक यू सर।